तो आज की वीडियो में हमारे पास है दो बजट वॉचेस। पहले वाले का नाम है नॉइस कैलिबर। आजकल इसकी आप यूट्यूब पे बहुत सारे एड्स देख रहे होंगे। तो डीजो ने बोला हम क्यों रहे पीछे भाई, हम भी लॉन्च करेंगे अपना एक नया वॉच, डीजो वॉच एस। और इसकी लॉन्च प्राइसिंग 2000 रुपए थी, लेकिन इसकी रेगुलर प्राइसिंग है 2300 रुपीज। दोनों वॉच के ऊपर हम लोग ने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आई बटन में दे देंगे भाई, चेकआउट कर लेना। लेकिन एक कंपैरिजन देख लो कौन ज्यादा अच्छा है। सिंपली स्टार्ट करते हैं दोनों की बिल्ड क्वालिटी से। पूरा बॉक्स डिजाइन में आता है, आप देख रहे हो एकदम आईफोन वाला वाइब आता है इसके अंदर। लेकिन कंप्लीट बिल्ड क्वालिटी पूरा प्लास्टिक का है। वैसे प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी का है। और अगर वेट की बात की जाए 38 ग्राम्स का मिलेगा ये। और इस वेट के हिसाब से एक हल्की सी वॉच है और मैंने इसको काफी दिनों तक यूज किया। इसकी स्ट्रैप की क्वालिटी बहुत ज्यादा मैं अच्छी नहीं कहता हूँ, क्योंकि आजकल जितने वॉचेस आ रही बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्ट्रैप है, लेकिन ये वाला स्ट्रैप उतना ज्यादा सॉफ्ट नहीं है और हल्का सा वही ज्यादा आपको। लेकिन वॉच देखने में काफी प्रीमियम से लगती है। एक प्रॉब्लम लगती है मुझको कि इसका जो नीचे वाला चिन है वो बहुत ज्यादा ही बड़ा है भाई। लेकिन जो इसका नया वाला बॉक्स डिजाइन है उसको बैलेंस आउट कर देता है और एक्चुअल में इसकी जो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन है देखने में अच्छी लगती है। लेकिन अगर बात करते हैं नए वाले चैंपियन की, तो इसका वेट बस 2 ग्राम एक्स्ट्रा है, यहाँ पे बस 40 ग्राम्स का वेट के हिसाब से दोनों ही वॉच बहुत ज्यादा हल्की है। जिसका स्ट्रैप और बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इसको मैंने पहना था, जब 3 दिन तक लगातार पहना हुआ था मैंने, कोई दिक्कत नहीं हुई भाई। रात में पहन कर सो भी गया था मैं। अपना नॉइस 22L साइज में आता है और डीजो आता है 20L में। तो डीजो पतले कलाइयों के लिए थोड़ा ज्यादा अच्छा भी रहेगा आपके लिए। और जिसका बिल्ड क्वालिटी पूरा मेटालिक है और इसका जो कलर है भाई, ये वाला कलर मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा ज्यादा एज लेके आ रहा है डीजो वॉच। इसमें आपको हल्का सा चीन देखने को मिलता है, लेकिन नॉइस में थोड़ा ज्यादा ही चीन है। और अगर दोनों को साइड बाय साइड रखकर देखा जाए तो हल्का सा ज्यादा प्रीमियम मुझको डीजो लग रहा है। और जो वॉच है हल्का सा कर्व भी है, तो एक नया डिजाइन और फॉर्म फैक्टर लेके आ रहा है और थोड़ा ज्यादा प्रीमियम लग रहा है मुझको। एक बार अपने वरुण सर से पूछ लेते हैं कौन ज्यादा प्रीमियम लग रहा है उनको, ज्यादा प्रीमियम कौन सा लग रहा है तेरे को? जैसे हमारे पास आईफोन तो है नहीं और बॉक्सी डिजाइन तो हम यूज करते नहीं, और अच्छा। हम थोड़े से इसके साइज ज्यादा रहेंगे ऑब्वियसली, क्वालिटी और यू नो डिस्प्ले वाइज भी मेरे को ज्यादा अच्छा रियलमी ये डीजो वाला लग रहा है। रियलमी से ज्यादा माधव जी से ही पूछ लेते हैं। माधव भाई क्या कर रहे भाई, गलती करते थे बार बार यार, क्या किया? तुम ये बताओ मेरे को कि ज्यादा प्रीमियम कौन लग रहा है? कुछ छूट छूट गया माधव नाम हुआ रियलमी नहीं, बिकॉज इसका थोड़ा फ्रेम जो ज्यादा आंखों पे चुभ रहा है। चुभ रहा है आप पे? मतलब दूर से ही अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव। हां अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर इसका फ्रेम मैं ऐसे सिल्वर कर दूं तो? बट इसका मेरे कहने का मतलब ये कर्व डिस्प्ले है। कुछ नहीं, इसको कर्व्स पसंद है। डिस्प्ले और यूआई के बारे में बात की जाए तो दोनों ही वॉच का अपना अपना अलग अलग यूआई है। नॉइस कैलिबर के बारे में बात करते, अगर आप देखो तो पूरा यूआई ब्लैक यूज किया गया, ऑल डिस्प्ले एक फील आ, बहुत ही सिंपल यूआई है। अब करोगे आप तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर आ जाता है, यहाँ से फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा जहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, लेफ्ट साइड से आपको म्यूजिक आ जाएगा और राइट से आपको बाकी सारे एक्टिविटी आ जाएगा। और ये वाले बटन को प्रेस करोगे तो इसके अंदर पूरा का पूरा मेन्यू है, और मेन्यू में भी कैटेगरी वाइज है। नॉइस हेल्थ के अंदर सारे सारे आपको स्लीप ट्रैकिंग से लेके हार्ट रेट, और यहाँ पे दो एक्स्ट्रा फीचर्स है स्ट्रेस और टेम्परेचर, ये दोनों बहुत ही अच्छा काम आते हैं। और डीजो यूज करता है रियलमी का यूआई पूरा का पूरा। राइट स्वाइप करो कंट्रोल सेंटर दिख जाएगा आपको, बैटरी दिख जाएगी, हर चीज कंट्रोल कर सकते हो। और लेफ्ट में पूरा का पूरा एक्टिविटी देखने को मिल जाएगा और नोटिफिकेशन ऊपर से आता है आपको, अभी नोटिफिकेशन नहीं है। और नीचे से आपको मेन्यू आ जाएगा और ये बटन को प्रेस करने से वॉच हो जाएगी। और दोनों ही वॉच का टच रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा सिमिलर सा, एकदम एक्यूरेट और अच्छा सा है। और दोनों वॉच का थप्पी वाला ऑप्शन नहीं है, थप्पी मारने से वॉच ऐसे ऑफ हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं हो पाएगा। और अगर परफॉर्मेंस वाइज बात किया जाए तो डीजो का एप्लीकेशन ऐसे कुछ देखने को मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल क्लीन सा यूआई है। और वॉच के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, नोटिफिकेशंस के अंदर सारे सारे नोटिफिकेशन आपको ये अलाउ कर देता है। और ये नॉइस फिट एप्लीकेशन है कैलिबर के लिए, इसमें मेन्यू थोड़ा ज्यादा मिलता है और यहाँ पे एक बड़ी वाला ऑप्शन मिलता है। ये बड़ी वाले फीचर से अपने दोस्त या रिलेटिव का जो नॉइस की वॉच यूज करते हैं उनका हेल्थ मॉनिटर कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा फंक्शनैलिटी होता है। अगर डीजो से कोई देख रहा है तो ये वाला फंक्शनैलिटी डाल लो भाई कि मेरी मम्मी ऐसा डीजो वॉच क्यों यूज करती है। और नॉइस से भी सारे सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ वॉच के अंदर जाके आप अपडेट भी कर सकते हो। डेटा और एक्यूरेसी के बारे में बात की जाए, दोनों वॉच उन्होंने ट्राई कर रखा है, दोनों ही काफी ज्यादा एक्यूरेट है। लेकिन अगर बात करते हैं कौन ज्यादा स्मार्ट, तो देखते हैं अपना टेबल टेस्टिंग कर पाता है कि नहीं। जैसे कि टेबल पर रख के हम लोग इसका करते हैं हार्ट रेट मेजर, दोनों वॉच को टाइम लग रहा है टेबल की टेस्टिंग करने में। ओके, नॉइस ने बता दिया कि वॉच आपने पहनी नहीं है, डीजो ने कोई रिजल्ट नहीं दिया, लेकिन ये बता भी नहीं पा रहा कि तुमने भाई वॉच सही से नहीं पहना, थोड़ा टाइम देते हैं इसको। डीजो ऐसे 10 मिनट से पड़ा हुआ है, लेकिन भाई इसने अभी तक न रिजल्ट दिखाया है ना बोला है कि भाई चलो ना आगे बढ़ो ना। और एक बार अपनी वॉटर टेस्टिंग भी करते हैं दोनों को साथ लगा के, देखते हैं कौन पहचान पाता है वॉटर टेस्टिंग भी। नॉइस ने बोल दिया भाई तुम पहले पहनो, तो अलार्म हो जाती है, चलो ठीक है। मीनवाइल दोनों में से कोई भी रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन डीजो में
बोलना चाहिए कि भाई तुमने पहना नहीं है, तो आप दोनों को इक्वली एक्यूरेट कह सकते हो। लेकिन अगर आपके प्रोफेशनल टूल से एकदम एक्यूरेट टेस्टिंग करें तो बताते हैं कौन। पहले हम नॉइस से टेस्टिंग कर लेते हैं। अपने ऑक्सीमीटर में 85 आया है और अपने नॉइस कैलिबर भी आपको 82-83 के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था। और सबसे अच्छी बात है, इसका डेटा बहुत जल्दी निकाल के देता है। नॉइस को मैं बहुत दिन से यूज कर रहा हूँ और एक्चुअल में ये वन ऑफ द एक्यूरेट वॉच है जो कि आपको इस प्राइस पॉइंट में मिलता है और मुझे हमेशा इंप्रेस करता है। अगर बात की जाए डीजो वॉच एस की, डीजो वॉच इसमें आप देख सकते हो 80-81 के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे और अपने ऑक्सीमीटर में 81 आ चुका है। और इसलिए मुझको डीजो वॉच थोड़ी ज्यादा एक्यूरेट लगती है, लेकिन ये वॉच थोड़ी स्लो भी है जिसके आपको नॉइस बहुत पहले रिजल्ट देता है और इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 30 सेकंड लग जाते होंगे, लेकिन ये करता हूँ 20 सेकंड में। ऐसे अगर एक्यूरेसी के लिए एक वॉच को चूज करना पड़े तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फ्यूचर में अपना नॉइस कैलिबर ज्यादा अच्छा होगा। इसके अंदर ये वाला सेंसर देख रहे हो, ये एक टेम्परेचर वाला सेंसर है, आपका बॉडी टेम्परेचर बताया था और बॉडी टेम्परेचर जब हल्का सा राइज करता है कहीं ना कहीं तो आपको नोटिफाई भी करता है। लेकिन जो आप यहाँ पे स्ट्रेस वाला फीचर देख रहे हो भाई, ये स्ट्रेस वाला फीचर इस प्राइस पॉइंट पे बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है और ये भी बहुत एक्यूरेट है इसका। और अभी जो अपने दोनों वॉच मेरे मोबाइल से कनेक्टेड है, एक बार अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप एसएमएस भेजते हैं, देखते हैं किसमें पहले नोटिफिकेशन आता है। तो एक बार एक मैसेज भेजते हैं, डीजो में पहले आया है और नॉइस में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन इसके अंदर नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है। और एक बार वाइब्रेशन टेस्टिंग करते हैं, खूब सारा एसएमएस भेजते हैं, देखते हैं भाई वाइब्रेशन किसका तेज है। नॉइस में वाइब्रेशन है और इसकी वाइब्रेशन हमने फुल कर रखी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन अपना डीजो का काफी ज्यादा है। तो एक बार कॉल कर लेते हैं, देखते हैं किससे पहले कॉल आता है। नॉइस में स्लाइटली पहले कॉल आया था, लेकिन यहाँ पर आपको कॉल को रिंग को ऑफ करने का ऑप्शन डीजो में, इसमें बस आप हैंग अप कर सकते हो। और एक बार वॉच फेस का टेस्टिंग भी कर लेते हैं कौन ज्यादा फास्ट है। एक बार टाइमर ऑन करके नॉइस को लगाते हैं, ट्रांसफरिंग 20%, 18 सेकंड हो चुका है, 53 सेकंड्स लगे हैं इसके अंदर। काफी सिमिलर सा यही वाला वॉच लगाते हैं, डीजो वॉच है, काफी ज्यादा फास्ट हो रहा है भाई इसका सिंकिंग, देख सकते हो आप 21 सेकंड में डीजो वॉच एस ने अपना ये वॉच फेस चेंज कर दिया और बहुत ज्यादा फास्ट है। और इंडोर डिस्प्ले के बारे में बात करें, दोनों ही वॉच अभी आपको फुल ब्राइटनेस के ऊपर है, आप देख सकते हो। और जो अपना डीजो थोड़ा ज्यादा वाइब्रेंट और ज्यादा ब्राइट लग रहा है, अगर एक बार हम लोग इन दोनों का टॉर्च ऑन करते हैं, आप देख सकते हो ज्यादा ब्राइट कौन लग रहा है। अपने अंधेरे रूम में चलते हैं, रूम में जाते हैं दोस्तों, अभी हम डीजो वॉच एस का टॉर्च यूज कर रहे हैं और अभी हम लोग नॉइस का टॉर्च यूज कर रहे हैं। ये क्लमजी टेबल मेरा है, दोनों ही का टॉर्च आपने देख लिया हो तो अपने हिसाब से जज कर सकते हो, ये वाले एरिया को जज मत करना। सेटअप टूर अपना जल्दी आ रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और अभी हम लोग आउटडोर में इन दोनों ही वॉचेस का डिस्प्ले कंपैरिजन करने के लिए दोनों ही वॉच पे सेम वॉच फेस लगा रखा है हम लोग ने और दोनों ही का ब्राइटनेस भी 100% पे, तो ज्यादा वाइब्रेंट कौन लग रहा है। मेरा वन वर्ड आंसर रहेगा, डीजो ज्यादा वाइब्रेंट लग रहा है। एक बार कलरफुल वॉच फेस लगाते हैं, कलरफुल वॉच फेस लगाने के बाद आप देखते हो तो डीजो थोड़ा ज्यादा वाइब्रेंट फील हो रहा है, लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, दोनों ही डिस्प्ले आउटडोर में इजिली विजिबल है। अगर फाइनल बात करें दोनों ही वॉच के बारे में, एक बार आपको अपडेटेड प्राइस बताते हैं। डीजो वॉच 2000 दिख रहा है, लेकिन अपडेटेड प्राइस आपको 2300 आने वाली है। कलरफिट अभी 2400 के अराउंड खेल रहा है, इसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन एक्चुअल प्राइस इतना मत लाया। इसके अंदर 5 डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है और वॉच इसमें 3 कलर्स अवेलेबल है। आपको कंफ्यूज नहीं करते हैं, डिजाइन में आपके ऊपर छोड़ता हूँ, जो आपको ज्यादा पसंद है वो आप ले सकते हो। मुझे आप कमेंट में बता सकते हो भाई कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है, लंबा वाला या चौड़ा वाला। लेकिन अगर मैं एक वॉच को चूज करूँ तो मैं डेफिनेटली डिजाइन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, यूआई के लिए डीजो वॉच एस को चूज करूंगा। लेकिन एक्स्ट्रा फीचर्स, अच्छे यूआई, ये नया वाला बॉक्स डिजाइन और ज्यादा कलर ऑप्शन चाहिए आपको तो आप नॉइस कैलिबर भी चूज कर सकते हो। अगर मेरा फेवरेट माना जाए तो मैं डीजो वॉच एस लेने वाला हूँ भाई। माधव सर से पूछते हैं आप कौन सा लेंगे। सेम, बिकॉज भाई पूरा रिव्यू कर देगा। तो इस वीडियो को लेते रहते हैं, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। दोनों ही वॉच का जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस लिंक को क्लिक करके खरीदना भाई, तो ऐसे क्लिक क्लिक से हेल्प हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय।